गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ चिकन कटलेट कैसे बनाने का इफ्तारी के लिए। तो सबसे पहले हमको मेन इंग्रेडिएंट जो है हम लोग को चाहिए चिकन। चिकन को एक पतीली में उबाल देने का, नमक डाल के थोड़ा पानी डाल के उबाल के ऐसे रेशे रेशे में ऐसा तोड़ लेने का। तो ये चिकन हो गया, ये चिकन चाहिए। और ये हमें बटाटा चाहिए बॉईल करके इसको मैश कर देने का। इसके अलावा हमें चाहिए ग्रेट किया हुआ गाजर, श्रेडेड कैरेट, फ्रेंच बीन्स, और मैंने कैप्सिकम भी लिया है पर दोनों को मिक्स कर दिए तो आपको दिख नहीं रहा होगा, पर थोड़ा थोड़ा ऐसे कैप्सिकम के पीसेस आपको दिख रहे होंगे। तो कैप्सिकम और फ्रेंच बीन्स और गाजर मैंने लिया है। तो ये गाइस बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ही सिंपल और डिलीशियस रेसिपी है, आप जरूर ट्राई करना। हाँ तो मैं आपको मेजरमेंट्स भी बता देती हूँ। हमें 1/2 किलो चिकन चाहिए और 2 बोनलेस चिकन चाहिए, 1/2 किलो मतलब क्वार्टर केजी। और हमें ये आलू, 2 बड़े आलू चाहिए और एक छोटा सा गाजर हमें श्रेड करना है, छोटा सा कैप्सिकम और 8 से 9 से 10 फ्रेंच बीन्स। हाँ तो गाइस एक पतीली लेनी है, उसमें खाने के 2 बड़े चम्मच वेजिटेबल ऑयल डालना है और ये हरी मिर्ची का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच, 1 छोटा चम्मच, और इसको तेल के साथ थोड़ा भून लेने का, थोड़ा मिक्स कर लेने का। हरी मिर्ची की जो स्मेल तब तक जाती नहीं है तब तक मिक्स करना है। और अब हम थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे इसमें, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 चम्मच के मुताबिक, और इसको भी मिक्स करना है जब तक इसकी स्मेल नहीं जाती है। अब इसमें 1 चम्मच नमक, 1 और आधा चम्मच नमक डालेंगे आधे से कम। अब हम इसमें 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे, 1 और आधा चम्मच। अब हमने जो वेजिटेबल्स काट के रखी थी उनको कढ़ाई में डाल देना है। थोड़ा चला लेना है, नरम होना चाहिए, सॉफ्ट होने तक इसको चलाना है। फिर अब हम गाजर जो हमने श्रेड किया हुआ था उसको भी डाल देंगे कढ़ाई में। इसको भी एक बार अच्छे से चला लेना है। हम स्लो फ्लेम पे ही पकाएंगे ताकि हमारा जो भाजी और सब मसाले हैं वो जले ना। हमें ये चम्मच चलाते रहना है नहीं तो ये जल जाएगा। तो कंटिन्यूसली हमें 1 मिनट तक चलाते रहना है। हाँ तो गाइस 1 से 2 मिनट के बीच हमें इसको पकने देना है ऐसे चलाते हुए। तो 1 से 2 मिनट हो गए, ये अच्छे से पक गया है और हमें इसे ठंडा होने देना है थोड़ी देर तक, जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता तब तक हम हमारे आलू मैश करेंगे। तो हमें एकदम अच्छे से मैश करना है, बिल्कुल भी जो आलू के बड़े बड़े पीसेस होते हैं ना वो नहीं रहना चाहिए, एकदम फाइनली हमें मैश करना है आलू को। तो हम ये चिकन को, आलू को और सब जो हमारे वेजिटेबल्स है उनको साथ में मिक्स कर देंगे। और हाँ, अगर आपका आलू या फिर चिकन कम हो गया है तो आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो हम अभी हमारे वेजिटेबल्स जो भी है वो सब चिकन के मिक्सचर में डाल देंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे, जब तक मिक्स करना है तब तक चिकन और सब वेजिटेबल्स आलू में मिल जाए। तो गाइस
हम अच्छे से मिक्स कर दिया है, ये इसका इसमें अच्छा सा कलर भी आ गया है। अभी हम इसके कटलेट्स बनाएंगे। तो गाइस अभी हम इसके कटलेट्स बनाएंगे। तो हमें जैसा नॉर्मल शेप रहता है कटलेट्स का वैसे ही बनाने का है, एक गोला करके उसको चपटा करने का है। तो ऐसे ही हमें बाकी सब कटलेट्स बना लेना है। ये सब हमारे कटलेट्स सब तैयार हो गए, तो हम इसको ऐसे और चपटा कर रहे हैं। और आप अगर चाहो तो इसको टिक्की कटलेट्स की टिक्की को एयरटाइट कंटेनर में 1 हफ्ते तक रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, खराब नहीं होगा। देखिए ये टिक्की है, अभी हम इसको बटर के बुके, आप चाहे तो सेव भी ले सकते हो, इसमें पहले आप इसको कोट करना, फिर हम इसमें फेटे हुए अंडे में इसको कोट कर देंगे कटलेट को, और इसको हम तेल में डाल देंगे। तो ये देखिए हमारा कटलेट अभी पक रहा है। हमें ऐसे तल के एक एक करके सबको डालना है तेल में, डीप फ्राई करना है। दोनों तरफ से कटलेट्स को अच्छे से सेकना है, बीच में अगर जरूरत पड़े तो पलट भी कर सकते हैं। गोल्डन गोल्डन कलर होने तक हमें इसको तलना है। तो हम इसको अभी प्लेट में डाल देंगे कटलेट्स को। ये बहुत अच्छा बना है कटलेट्स। तो हम इसके साथ बहुत सारी अलग अलग चीजें भी बनाए, भजिए बनाए, पोटैटो भजिए, फिर स्प्रिंग ऑनियन भजिए, कांदे की भजिए, बहुत सारी चीजें हम बनाए हैं। तो हमारे कटलेट्स तैयार हो गए हैं। ये कटलेट्स एकदम खाने के लिए रेडी है। आप चाहे तो इसको चटनी, पाव या सॉस के साथ सर्व करें, ये बहुत अच्छा लगता है। और अभी हम इसे डिश आउट करेंगे। तो ये हमारा चिकन कटलेट मैंने डिश आउट कर दिया है, और ये बहुत ही अच्छा बना है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बाय बाय।